पहला गीत मुझे देना है। कौन सा? हमें तो पता नहीं, हमको मालूम। हमारे भाई विक्रम जी के लिए। क्या बात है, जिसमें सवालिया रूपी गीत है, हालांकि सवाल कुछ है नहीं। ना बेटा ना, सवाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत लोग उत्सुकता में बैठे हैं, और क्या, कि कल्पना जी का चक्र पूरा हो तब फिर हम विक्रम भैया को सुने। और क्या, और क्या। लेकिन विक्रम भैया जी, बहुत साधारण गीत है, कोई परेशानी नहीं होगी। ना सवालिया गीत है, लेकिन सवाल नहीं है, औपचारिकता बस ये पहला गीत मेरी ओर से, सुनिएगा। सुनिए। हमारे सभी लोगों से निवेदन, सुनेगा गीत को, सुनिए। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं कि एक दिन शाम से राधा ने यूं कहा कि तुम बंसी बजाते हो, आदरणीय भैया हमारे सलीम खान जी खजुराहो से उदयपुरा वाले, आपकी तरफ से 51 पद्म मुद्राएं हैं, मेरी ओर से हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय भैया विक्रम जी, पहला गीत भगवान कन्हैया जी के लिए मैं भेंट कर रही हूँ। जय हो। सुनिए। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा
गोदी में लेटाए हैं। लाला लाला तेरे कितने रूप हैं? ओ अनगिनत। आखिर कितने रूप हैं? क्योंकि तू मेरा लाला बन के लेटा है, लेकिन वाकई देखा जाए तो है क्या? क्या है? अरे तू मेरा छैया, मैं तेरी मैया। शर्मा जी क्या बात है? कोई बात है? तेज बोलो। आ डरती क्यों हो तुम? श्री संतोषी डरो मत। सरपंच जी क्या बात है? ना नहीं है तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। आदर्शी संतोषी सरपंच जी हैं आप, आपके करकनों से ये 201 पद मुद्राएं हैं, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा तुम जग को चलाते हो, हम तुम्हें चलाते हैं। तुम जग को खिलाते हो, हम तुम्हें खिलाते हैं। एक टुकड़ा और सुनेगा। भगवान सांदीपनी गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए गए। जय हो। जब गुरु ग्रह पढ़ने के लिए गए तो गुरुजी कह रहे हैं क्या? हे कन्हैया कन्हैया के तू ही जगत का है करता धरता।
कमाया है तो कृष्ण स्वयं तुम जगत गुरु हो, कृष्ण स्वयं तुम जगत गुरु हो, मुझको हाँ मुझको गुरु बनाया है। वसुदेव सुतम देवम चाळूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब कृष्ण जग के गुरु हो तो ये कन्हैया कन्हैया कि कृष्ण स्वयं तुम जगत गुरु हो, मुझको हाँ मुझको गुरु बनाया है। तो लाला तुम जग को पढ़ाते हो, क्या बात है, हे तुम जग को पढ़ाते हो, हम और क्या बस सुनिएगा। भगवान कन्हैया गोपियों के रास्ते में आ जाते हैं। गोपी माखन खिलाओगी? अच्छा खिलाएंगे लाला, नचोगे? और क्या, पहले नाचो तो। गोपियों ने कहा लाला खिलाएंगे, कन्हैया ने कहा खिलाओ, तो गोपियां कह रही कन्हैया कन्हैया की बंसी बटवा जमुना के तट पर, बंसी बटवा जमुना के तट पे, अजी तुम तो रास रचाते हो, और छछिया बार छाछ की खातिर ही मुझको छोकरिया छचिया पर छाछ पर नाच नचावे, छचिया पर छाछ की खातिर ही मुझको मुझको नाच दिखाते हो, तुम जग को नचाते हो, उमा दाव जो सबके नाई सब नचावत राम गुसाई, अभिनंदन करने के लिए। बार बार ये साउंड सर्विस इसीलिए वो सीटी मार रहे हैं कि हमें भूल गए राजा। हमारे भैया साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय परम सम्मानी श्री श्यामलाल कुशवाहा जी, ये बेहतरीन साउंड सर्विस के लिए आपको धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। बेहतरीन साउंड सर्विस इसलिए सीटी मार रही है, समझ रहे हैं। और ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे भैया धर्मदास की ओर से हैं, जिन्हें हम लोग धम्मू कह के बुलाते हैं। एक से एक पत्र मुद्राएं हैं, माता
माता भगवती हमेशा भैया आपके अंग संग बनी रहे। और आइएगा जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल बहुत बढ़िया धुन लाई है हमारी दीदी, और कहा था कि विक्रम भैया कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी आपने तो हम छोटे भाइयों की गरीबी का भी लिहाज नहीं किया, हमारी गरीबी का भी लिहाज नहीं किया। चचा बहुत चाहते हैं हम लोगों को, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जी जी चचा बड़ी अच्छी धुन गवाई है आपने। तुम बंसी बजाते हो, क्या बात है, पूरा हाथ चचा का है। चचा प्रयास करेंगे, हम बच्चे हैं, जनता जनार्दन से भी यही निवेदन है, प्रयास करेंगे। सुनिएगा सुने जोड़ नहीं, जोड़ है जैसे मुकेश का जोड़ नहीं है वैसे वट्टी राजा का भी जोड़ नहीं है। मुकेश मुकेश है अपनी जगह अच्छे है, मुकेश मुकेश है, लेकिन इधर बंटी राजा पर भी कोई केस नहीं है। मुकेश मुकेश है रहे। आइएगा सुनिए कहा क्या परम सम्मानीय दीदी जी ने, अरे तुम बंसी बजाते हो पुरस्कार जो आशीर्वाद हम बच्चों पे सदैव रहा है, बिल्कुल बेटे, और माता भगवती की कृपा से सदैव रहेगा। रावत जी हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री देवेंद्र तिवारी जी पप्पू भैया जो कि आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद इसी धुन पर एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा पप्पू भैया के लिए। धन्यवाद है महाराज, चरणों में नमन बंदन है आपको। अब गाना बजाना तो अपनी जगह है, लेकिन सुनिएगा दीदी। और एक और बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे परम सिद्धेय महाराज जो हमारे साथ बड़े हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, परम सिद्धेय श्री पुष्पेंद्र अवस्थी जी नेता भाजपा मंडल बमीठा अध्यक्ष हैं आप, आपकी ओर से भी हम मित्रों के लिए
ये 101 नहीं 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। धन्यवाद है महाराज, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए महाराज, सुने। दीदी माता यशोदा कन्हैया से कहती हैं कि अरे कन्हैया कितने रूप हैं तेरे, कितने रूप हैं, कहा अरे तुम जग को चलाते हो कन्हैया, तुम जग को चलाते हो, हम तुम्हें चलाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम जग को चलाते हो, छोटे भाइयों का देखो बेटे। जब भगवान कन्हैया ने देख लिया रावत जी शर्मा जी कि कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा है महाभारत के युद्ध में, क्या बात, कक्कल साहब सब लोग सुनिएगा, जवाबी कीर्तन सिर्फ जवाब की होती है, जवाब की होती है। अब जवाब सुनिएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा। जब कर्ण के पास भगवान कन्हैया पहुंचे, अरे कर्ण तेरी अंतिम सांसें चल रही हैं, चलते चलते कुछ दान नहीं करेगा, कुछ दान नहीं करेगा। कर्ण ने कहा कि प्रभु अब मेरे पास बचा ही क्या है, क्या बचा है। हमारे गोयलाल मार साहब बड़े भैया हैं आप, सुनिएगा। कर्ण ने कहा कि मेरे पास बचा ही क्या है प्रभु, तब भगवान ने कहा कि कर्ण अभी तेरे पास भी बहुत कुछ है, तेरे पास सोने का दांत है, शर्मा जी जान गए, तेरे पास सोने का दांत है, वो मुझे दान में दे। जब कर्ण ने भगवान कन्हैया को, सब लोग जानते हैं कि उस दांत का दान दिया, लेकिन देखिए हुआ क्या, क्या चलाते हो शर्मा जी दाऊ साहब, लेकिन यहां सुनिएगा जवाब योगेंद्र राजा, सुनिएगा कहा क्या, अरे लेटा धरा पे है कर्ण दानी, अरे ले जब अंतिम सांस रहा, लेटा धरा पे जब कर्ण दानी, ले जब अंतिम सांस रहा, अब आप सुनिएगा, अरे मांग रहे हो मुझसे माधव, हम मांग रहे हो मुझसे माधव, अब क्या मेरे पास रहा। तब कर्ण ने कहा भगवान कन्हैया, अरे जग
जिनसे मंगाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भगवान कर्ण कहता है संसार के तमाम लोग अपनी इच्छाएं लेकर भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, मांगने जाते हैं, लेकिन आज महाभारत के इस युद्ध में एक नया इतिहास रच रहा है। क्या बात, क्या क्या कहा कर्ण ने कि प्रभु अरे जग जिनसे मंगाता है वो मुझसे मंगाते हैं। आज वो कर्ण से दान मंगा रहे हैं। कहा क्या कि जग जिनसे मंगाता है वो मुझसे मंगाते हैं। तो कहा जिसे मंगाते हैं मैं उन्हें याद आया हूँ। जग जग को जो याद आते हैं अरे जग जिनसे मंगाता है वो जग जिनसे मंगाते दीदी। हम लोग बच्चे हैं, पसंद ना आए तो भी पसंद करना पड़ेगा। हम लोग छोटे भाई हैं और पंकज महाराज के भी चरणों में नमन वंदन है महाराज कि हम लोगों को भी थोड़ा पसंद करिए। कहा जब भगवान कन्हैया को बाली भिलिया ने बाण मार दिया, सब लोगों को प्रसंग पता है, जब बाण मार दिया भगवान कन्हैया अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उद्धव जी आए। उद्धव जी कन्हैया के पास आए, कन्हैया से कहा कि कन्हैया कुछ इच्छा है आपकी। तो कन्हैया लाल ने कहा कि उद्धव मेरी इतनी इच्छा है कि जब विदुर तुम्हें मिले, विदुर तुम्हें मिले तो उनसे कहना कि कन्हैया तुम्हें याद कर रहे थे। कन्हैया तुम्हें याद कर रहे थे तब देखिए हुआ क्या। क्या बताया? अरे जाने जल हाँ जाने लगे जब जगत से कन्हैया। भगवान कन्हैया का अंतिम क्षण आया तब हुआ क्या? अरे याद किया है प्रभु ने पितुर जी को, याद किया है प्रभु ने पितुर जी को, उद्धव से बुलवाया है और उद्धव से बुलवाया है। और जब 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 विदुराज विदुरराज को पता चला कि भगवान कन्हैया ने अंतिम क्षणों में मुझे याद किया, तब देखिए विदुरराज कहने लगे उद्धव जी से, कह रहे उद्धव जी अरे जग जिनको बुलाता है, अरे जिन्हें संसार बुलाता है, आइए कन्हैया, आइए घनश्याम, आइए मुरलिया वाले, लेकिन आज अरे जग जिनको बुलाता है
याद आते हैं सबकी तालियों के लिए। क्या बात है। और ये